सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेता है। दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही एक सफल जीवन कहलाता है। जीवन का एक साधारण सा नियम है, वो ये कि सुख आता है तो वो अपने साथ अहंकार भी लेकर आता है। रावण हो, कंस हो अथवा दुर्योधन आदि कौरव हो, इन सब के जीवन की एक ही कहानी है और वो ये कि जीवन में जितना सुख और विलास आया उतना अभिमान भी बढ़ता चला गया। रामचरितमानस जी में सत्य ही कहा गया है, नहीं को अस जन मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। सुख भी उस घी के समान होता है जिसे आदमी खा तो लेता है मगर पचा नहीं पाता। इसी प्रकार दुख के क्षणों में धैर्य धारण करना भी सबके बस में नहीं होता है। दुख में बड़े बड़े महारथियों का धैर्य टूटते देखा गया है। दुखों के प्रवाह में धैर्य का बांध उसी प्रकार टूट जाता है जैसे बरसाती नदी के प्रवाह में नदी पर बना कोई बांध। सुख के क्षणों में अहंकार को जीतने वाला और दुख के क्षणों में धैर्य धारण करने वाला ही वास्तव में इस जीवन रूपी महासंग्राम का एक सफल योद्धा है। दुख सहना ही नहीं अपितु सुख सहना भी जीवन की एक महान कला है।